दृष्टि रखी ने उन्होंने कर्ण के बारे में जो लिखा है, अब वो कर्ण के बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में लिखा है क्या, ऐसा साधारण मैं उसको लिख कर लाया हूं। वहां कर्ण की जाति पूछी जाती है। आज अपने देश में अनेक लोगों की जाति पूछने का एक धंधा शुरू हो गया है। कई राजनेता आकर आप हर एक की जाति पूछते हैं और हमारे हिंदुत्व कहते हैं नाम धर्म कुछ कहो। कर्ण को जो पूछते हैं तो नाम धर्म कुछ कहो, बताओ कि तुम किस जाति के हो, बताओ कि तुम जाति हो कम, ऐसा शब्द उन्होंने किया है। इस पर टिप्पणी करते हुए ये प्रश्न पूछा गया कर्ण को भरी सभा में, और इस पर टिप्पणी करते हुए दिनकर जी कहते हैं यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पता नहीं कि आज के राजनेताओं के बारे में लिखा है या और किसी के, परंतु वो कहते हैं ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। क्या भीतर जी को ये सब पता था? उन्होंने रश्मि रखी लिखते समय ये सब लिखा है, कैसे हो सकता है ये? निश्चित रूप से दैवी शक्ति उनमें रही होगी, निश्चित रूप से। और हम सब जानते हैं कि दिनकर जी का प्रेम इस मिट्टी पर था, दिनकर जी का प्रेम इस व्यक्ति पर था, दिनकर जी का प्रेम इस गांव के लोगों पर था, अपने देश के लोगों पर प्रेम था, प्यार करते थे, उन पर वो निछावर करने के लिए तैयार थे। ऐसे दिनकर जी को हम केवल राष्ट्र कवि नहीं विश्व कवि के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।